और अब बात पांच खबरों की जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वियो, दिल्ली की गलियों में कानून का खौफ किस कदर खत्म हो रहा है उसका सबूत है ये तस्वीरें। दिल्ली के द्वारका नगर के उत्तर नगर थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला को सरेआम गोली मार दी गई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घर के बाहर बैठकर बुजुर्ग महिला अपने परिवार के साथ बैठकर आग जलाकर बैठी थी कि तभी टोपी पहने एक शख्स पीछे बंदूक छिपाकर पहुंचा और बुजुर्ग महिला पर गोली चला दी। परिजनों के अनुसार आरोपी का नाम जफर है जो काफी देर से बुजुर्ग महिला पर हमले की फिराक में था। जानकारी के अनुसार आरोपी और उसका एक साथी स्कूटी से आए थे और उन्होंने स्कूटी को गली के किनारे खड़ा कर दिया था। वहीं इस पूरी घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। कांगड़ा की सुबह आज इस दर्दनाक हादसे से हुई। तेजी से आ रही बस की चपेट में आने से इस बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे में मारे गए शख्स का नाम तरुण है और वो कांगड़ा के गुप्तगंगा का रहने वाला था। तरुण कांगड़ा से मटोर की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी बाइक फिसल गई और वो सामने से आ रही परिवहन निगम की बस के नीचे आ गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से साफ पता चलता है कि तरुण किस बाइक से आ रहा था वो एकदम से फिसल गया। बाइक फिसलने के बाद सड़क पर घिसटती चली गई और तरुण पास से गुजर रही बस के टायर के नीचे आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हाथों में लाठी डंडे और हथियारों से लैस लोग, खेतों के बीच बड़े बड़े जाल से बनाई गई दीवार और आखिरकार 8 घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ में आया खतरनाक जानवर। तस्वीरें खेड़ा जिले के सायला गांव की है। यहां एक तेंदुओं के दिखने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जब एक किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था तभी खेतों में छिपे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। घायल किसान ने जब लोगों को तेंदुओं की खबर दी तो खेतों के आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तेंदुओं को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी। हमलावर तेंदुओं को पकड़ने के लिए वन विभाग को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। तेंदुओं को पकड़ने और ढूंढने में लगभग 8 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। तेंदुओं को ट्रैकुलाइन कर वन विभाग ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया और अपने साथ ले गए। साल की तरह इस साल भी नए साल के मौके पर साईं को उनके भक्तों ने माला माल कर दिया है। शिरडी साईं के दरबार में नोटों का अंबार लग गया। गुलाबी रंग के नोटों की गड्डियां, हरे रंग के नोटों की गड्डियां और नीले रंगों के नोटों की गड्डियां 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक भक्तों ने साईं दरबार में 14,54,00,000 का चढ़ावा किया है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ये वीडियो लुधियाना की है जहां दो दुकानदारों में जमकर झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच सड़क बाजार में इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में देखिए कैसे दुकानदार आपस में लड़ रहे हैं। एक शख्स पहले पत्थरों से हमला करता है फिर जाकर लाठी लेकर आता है और दुकान में घुसकर मारपीट शुरू कर देता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन। जिंदगी एक खेल है, और इस खेल को अकेले नहीं खेला जाता। इसे खेलने से पहले दिमाग चलाना पड़ता है। यहां जिम्मेदारी दी नहीं, ली जाती है, और कोशिश से हर बाजी पलटी जा सकती है। जिंदगी एक खेल है और ये खेल कभी रुकता नहीं। माइलो, देख खेलने की एनर्जी दूध प्रोटोमॉल्ट विटामिन्स और कैल्शियम के साथ। माइलो ग्रो विद स्पोर्ट्स फ्रॉम नेस्ट।